पहली बार आमदर्द चुने जाने के बाद से ही वर्सोवा विधानसभा के पूर्व एमएलए बलदेव कोसा वर्सोवा क्षेत्र के विकास को लेकर हमेशा अग्रसर रहे। उन्होंने वर्सोवा विधानसभा का भरपूर विकास किया। सड़क, पार्क, सीवर, नाला, बड़े और छोटे रोड का निर्माण, एक दूसरे से जुड़ने का काम किया है। शायद यही वजह है वर्सोवा विधानसभा समुद्र तट से जुड़ा होना और विकास कार्यों की वजह से अलग मुकाम पर होना। उन्होंने कांग्रेस में रहकर आम जनमानस की सेवा की। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता कभी भी कम नहीं हुई, आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वर्सोवा विधानसभा में कुछ काम ऐसे भी हैं जो उनके कार्यकाल से रुका तो अधूरा ही पड़ा रहा। आपको बता दें, वर्सोवा विधानसभा के सभी छोटे छोटे जगह पर विकास कार्यों की बुनियाद रख उसे पूरा किया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर वर्सोवा विधानसभा के चमचमाती और साफ सुथरा इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत अच्छी तरह से बलदेव कोसा के द्वारा की गई। आपको बता दें, बेहद सरल स्वभाव, मधुर भाषी, समाज में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करने वाले बलदेव कोसा जब जब आमदर हुए, विकास के कार्य इतने किए, उनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि वर्सोवा की जनता उन्हें आज भी पसंद करती है। मुंबई कांग्रेस में बहुत ऐसे भी चेहरे हैं जो कांग्रेस से जुड़कर अपनी अपनी नेतागिरी चमका और एक के बाद एक कई पार्टियों का दामन पकड़ते गए, लेकिन बलदेव कोसा पक्के कांग्रेसी हैं और लगातार पार्टी में रहते हुए पार्टी वसूलों पर काम कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि 2024 में एक बार फिर वर्सोवा की जनता उन्हें अपना आमदार के रूप में देखना चाहती है। बहुत सारे काम हैं जो उनके द्वारा किए गए हैं, जिसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। आइए सुनते हैं बलदेव कोसा को कि वह क्या कुछ कह रहे हैं। वो किन शब्दों में आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सारे देश में ये चाहूंगा कि मेरे देश में हमेशा शांति रहे, कोई हमारी बहन विधवा ना हो, कोई हमारा बच्चा ऑर्फन ना हो, हम सब प्यार से रहें, हमारी माता रानी, हमारे खुदा ईश्वर लॉर्ड गॉड, मैं सबसे यही प्रार्थना हमेशा करता हूँ कि हमारा देश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। और सर, कितनी बार आप वर्सोवा के विधायक रहे, उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? विकास कार्यों में आपका कितना प्रतिभागिता रहा, कितना हिस्सा रहा, वो जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 4 टर्म MLA रह चुका हूँ और मैं अब मेरी पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी पार्टी को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ और मेरी पार्टी ही सब कुछ है और मैं जो कुछ भी आज हूँ वो सर मेरी पार्टी की वजह से है। काम के बारे में मुझे सबसे जो बड़ा काम लगता है, जो ज़रूरी लगता है और जो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है और मैं खुश नसीब हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ ऊपर वाले का कि जो रोड अंधेरी ईस्ट को वेस्ट के साथ कनेक्ट करती है, लोखंडवाला सर्कल है, वहाँ से रोड जाके ईस्ट में जाती है ब्रिज क्रॉस करके, वो रोड थी ही नहीं। उसके ऊपर अबाउट 900 स्लम्स थे और कुछ तवेले थे, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कुछ शॉप्स थी, उन सब को शिफ्ट करके खुशी खुशी शिफ्ट किया गया, एक भी कंप्लेंट नहीं हुई, सब लोग शिफ्ट हो गए और आज वो 120 फीट रोड है जो कि बेस्ट रोड है विच कनेक्ट्स ईस्ट विद द वेस्ट इन अंधेरी, उसके मुझे बहुत खुशी है। दूसरे कुछ काम है जो मैंने मेगा माल के सामने जो रोड नहीं थी, वहाँ लोग ईंटों पे ईंटे रख के उन पर पाँव रख के क्रॉस करते थे, उसको मैंने सबसे पहले एक ऐसी रोड बनाया जो 2 कारें आ जा सकती थी, फिर उसको फर्स्ट टाइम ये बैक रोड बनाई और बैक रोड के साथ कनेक्ट करके ये यहाँ से लेके अपना मेगा माल से लेके जो लोखंडवाला का एंड है वहाँ, उसके आगे वो समाज जो सरदार पटेल नगर है उसके साथ कनेक्ट की गई, और एक रोड ऐसी बनाई जो हिल पार्क से वीरा देसाई रोड को मिलाई गई, वो रोड वहाँ नहीं थी, पगडंडी थी सिर्फ कच्ची, और उस पर हम जाते जाते देखा तो पूछा क्या है ये, तो मुझे पता चला कि रोड है, तो उसी वक्त हमने वो रोड बनाई। और एक रोड और एस रोड मैंने अपने एरिया में कोई भी रोड इनकम्प्लीट नहीं छोड़ी, ना कोई फुटपाथ छोड़ा, और 16 या 17 मैंने
ये गार्डन्स बनाए अपने एरिया में, जो कि आज लोग वहाँ पर घूमते हैं, वॉक करते हैं, इन्जॉय करते हैं। जैसे रोखड़वाला की लास्ट रोड पे जो बैक रोड कहते हैं जिसको, उसके ऊपर एक मैंने जॉगर्स पार्क बनाया, जो कि एक राउंड लगाने से आप 1.2 किलोमीटर सफ़र आपका हो जाता है एक राउंड में से। चाचा नेहरू जॉगर्स पार्क बनाया और वहाँ पर प्लाजा बिल्डिंग है वर्सोवा में, जहाँ पर टनल जाके ख़त्म होती है, और वेल बनाया वहाँ पर, दो गार्डन बनाए कंट्री क्लब के साथ, दो गार्डन बनाए। हिल पार्क में एक बहुत बड़ा 5 एकड़ का प्लॉट था जो मैंने गार्डन शुरू किया था, श्री गुरुदास कामत, लेट श्री गुरुदास कामत जी, और मैंने उसका नारियल तोड़ के काम शुरू किया था। आज मुझे मालूम नहीं वो काम कहाँ तक पहुँचा है या क्या हो रहा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद गार्डन बनाया, चाचा नेहरू जॉगर्स पार्क बनाया, शिवाजी महाराज के नाम से बनाया, हमने काफ़ी गार्डन बनाए 1617, कोई जगह छोड़ी नहीं। इसलिए कई लोग मुझसे नाराज़ होते थे कि यहाँ कोई बिल्डर बिल्डिंग बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसको गवर्नमेंट से लेकर गार्डन बना दिए। और वर्सोवा जेटी को भी हमने काफ़ी पैसा मंजूर करवाया गुरुदास कामत साहब जी ने, हम लोगों की एफर्ट्स उनके साथ, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई 50 करोड़ या कुछ सेंक्शन किया था उस वक्त। उसके बाद हमें गुरुदास जी, पता नहीं क्या हो रहा है उसका, राहुल जी खुद आए, राहुल जी खुद वर्सोवा गांव में हमारी रिक्वेस्ट पे आए थे, और वो कोली समाज से उनकी मीटिंग हुई थी, कोली समाज प्रोग्राम में था, कोली समाज में के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और वो उस गांव में आके बड़े खुश हुए थे और मेरे से स्पेशल बात की कि आप यहाँ के MLA हैं, मुझे खुशी है कि आपके सभी फिशरमैन आपसे बहुत खुश है। मैं कहा सर दिस इज़ ऑल ड्यू टू माई पार्टी, नॉट ड्यू टू मी। ही वॉज वेरी हैप्पी टू विजिट दैट प्लेस। और काम मैं जितने भी गिनाऊँ कम हैं, क्योंकि ऐसी जगह मेरे एरिया में नहीं है कि जो ईज आउट के लिए मेरे भाई या मेरी बहनों को बाहर जाना पड़े। मैंने इतने AP ब्लॉक्स बनाए, इतने AP ब्लॉक्स बनाए हमारे, हम सब ने मेरी पार्टी ने मिलके, कि आज लोगों को कहीं इस बात की ऐसी जगह नहीं जहाँ उनको ये सुविधा प्राप्त ना हो। और एक और बड़ा काम, बहुत खूबसूरत काम हुआ, वो है यादव नगर का। यादव नगर आम जो एक पहाड़ के ऊपर है, इट इज़ ऑन ए हिलॉक, वहाँ की मैंने एक तो जो प्रोटेक्ट करती वाल, जो पहाड़ गिरे ना या आगे कुछ पत्थर गिरे ना, वो वॉल सारी बना के दी, और वो पानी वहाँ पर मैंने कम से कम वहाँ पहुँचाया, जो टॉप है, जो टॉप ऑफ द टॉप प्लेस है यादव नगर की, वहाँ पानी बनाया। पहले हमने नीचे एक टैंक बनाया, पानी वहाँ स्टोर होता है, फिर हमने ऊपर पानी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो काम करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि पानी देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मेरा ख्याल नहीं मेरे एरिया में कहीं भी आज पानी की प्रॉब्लम है, अब मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं 10 साल पहले कुछ काम ऐसे है जो छोड़ के गया था, वो इनकम्प्लीट ही पड़े हैं, जैसे वर्सोवा और सरदार पटेल नगर और लोखंडवाला, इसको करेक्ट करने के लिए मैं वहाँ एक जो नाला है बहुत बड़ा, उसके ऊपर ब्रिज बनाने की स्कीम दी थी, पैसा सेंक्शन हो गया, स्कीम पास हो गई, उसके बाद मुझे मालूम नहीं वो ब्रिज अभी तक क्यों नहीं पास हुआ। मैंने जब वो काम किया था वो 2012 में किया था, उसके बाद आज 24 आ गया, अभी तक वो ब्रिज बना नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं बना। क्या उस ब्रिज की जरूरत लोगों को नहीं है, ऐसा आप महसूस करते हैं मेरे ख्याल से? उस ब्रिज की जरूरत सबसे ज्यादा है, जब फिशरी जब ऐसा है, जब वर्सोवा से कोई आदमी लोखंडवाला आना चाहता है तो उसको पहले तो 2 किलोमीटर चल के JP रोड पे आना पड़ता है, फिर JP रोड से चल के जो वालावल का रोड है वहाँ पर आने के लिए 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है, फिर लोखंडवाला को जो रोड जाती है वो 2 किलोमीटर पड़ता है, तो कम से कम नहीं ये 5-6 किलोमीटर का जो उनका खर्चा होता था ऑटोज का या पेट्रोल का या डीजल का, वो बच जाता है, क्योंकि जैसे ही वो डायरेक्ट हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर का रह जाएगा, 5 मीटर की बजाय 200 मीटर्स ओनली वो डिस्टेंस रह जाएगा, वो बनना बहुत ज़रूरी है। और हम अगर ईश्वर ने चाहा आगे मौका मिला तो सारे इनकम्प्लीट काम कम्प्लीट करें, जो अधूरा काम है वो आपके द्वारा ही पूरा होगा, करें पूरा करेंगे, सबसे पहले वही पूरे करेंगे। और जैसे बिलद नगर के पास एक फ्लाईओवर ब्रिज है जो SV रोड पे लैंड कर रहा था मोमन गुजरात को क्रॉस करके, तो मैं चाहता था कि वहाँ पर एक
हमारे बहुत ही खूबसूरत मिलित नगर स्कूल है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री इलाज भी करते हैं लोगों का और बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, और वहाँ पर टेंथ तक स्कूल है, और वहाँ हमारे 99% जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं हमारे मुस्लिम समाज के हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं। तो उनके बीच में जब ये रोड लैंड करेगी तो मोटर जो मुझे ये डर लगता था कि बच्चों का दोनों तरफ आना जाना है तो एक्सीडेंट की संभावना आती है, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की कि ये इसको क्रॉस करके स्कूल को फिर ये ब्रिज लैंड किया जाए। वो काफ़ी मेरी मेहनत के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद वो रोड, वो ब्रिज पास हुआ और आज वो ब्रिज बन चुका है वहाँ तक, जिसके आगे पता नहीं कहाँ तक गया, वहीं खड़ा मेरा ख्याल। एक बार फिर से 2024 के चुनाव की तैयारियां हैं, गठबंधन को अगर यहां पे टिकट जाता है, आपका टिकट नहीं मिलता है, गठबंधन को जाता है, तो आपकी क्या प्रक्रिया होगी, क्या आप पार्टी छोड़ देंगे? दूसरा, आपकी दावेदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजबूत रखी गई है और कांग्रेस लगातार आपको टिकट दे भी रही है, तो ऐसा उम्मीद है कि इस बार फिर आपको टिकट मिलेगा, तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि जो हमारी MVA है उसमें से किसी भी कैंडिडेट को यह सीट जाए, मैं हम पूरी अपनी सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, जैसे कि मैंने MP की इलेक्शन के वक्त किया था, जैसे मेरी पार्टी ने MP के वक्त मेहनत की, इसीलिए हमारे इस एरिया से सिर्फ यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से 22,000 की लीड हमारे MP को मिली और इतनी लीड कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं मिली। मेरा जहाँ तक टिकट मिलने का विचार है, जहाँ ये पार्टी के ऊपर है, जो पार्टी का हुक्म होगा वो हम हमारे सरमाथे, हम उसको मानेंगे, कोई भी पार्टी जिसको भी चाहे हम उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब दूसरी पार्टियों के साथ अलायंस होता है तो वहाँ पर आपको एक ऐसा आदमी लेना चाहिए जो दूसरी पार्टियों को भी कन्वेंस करके अपने साथ जोड़ सकता है, और ये मेरा तो 20 साल 20 ईयर्स मैंने शिवसेना के साथ, NCP के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, आप पार्टी के साथ, कोई भी पार्टी हो, इवन BJP के साथ, सबके साथ मैंने मिलकर काम किया है। मेरा कभी किसी कॉरपोरेटर के साथ कोई डिफरेंस नहीं हुए कि ये काम मैं करूँगा। मैं सोचता था अगर आप करना चाहते हैं आप करो, मैं जो करना चाहता हूँ मैं करूँगा। आपने भी पब्लिक की सेवा करनी है, मैंने भी पब्लिक की सेवा करनी है, हमारा जो गोल है वो सब सेम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो और उन लोगों को कन्विंस करके अपने साथ लगा सके और उनको भरोसा हो कि हम जैसे आदमी की मदद कर रहे हैं, जो कांग्रेस की इलेक्शन लड़ रहा है उसकी हम जो मदद कर रहे हैं वो सही है। और ये सीट तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पर सेकंड था, कांग्रेस यहाँ पर सेकंड थी, फर्स्ट BJP थी। दूसरा सवाल मेरा सर ये है कि 20 साल लगभग चार पंचवर्षीय योजना, मतलब चार बार आप यहाँ पे विधायक रहे, तो दाग धब्बा या कोई भ्रष्टाचार का आरोप पापड़ लगा? ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ना तो आज तक मेरी पुलिस स्टेशन, किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट है, ना मेरी पार्टी में मेरी किसी तरह की कोई कंप्लेंट है, ना मुझे चीफ मिनिस्टर ने या किसी भी मिनिस्टर ने बुला के कहा कि भाई साहब आपकी ये शिकायत आ रही है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मैंने अपनी ईमानदारी के साथ, हम्बल तरीके साथ काम किया है, क्योंकि मैं कोई नया आदमी नहीं, मैं बहुत ही मेरे ग्रैंडफादर के भी जो है वो कांग्रेस मैन थे, मेरे फादर साहब भी कांग्रेस मैन थे, मैं पैदा ही कांग्रेस में हुआ हूँ और कांग्रेस हमारे ब्लड में है, इसलिए मेरी इस पार्टी को मैं कभी ज़िंदगी में कभी भी इस पार्टी को धोखा नहीं दे सकता, और मैं इस पार्टी का हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि जो आज पोजीशन, जो भी आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो मेरी पार्टी की वजह से है। ईमानदारी का ये होता है कि हर इंसान कहता है मैं ईमानदार हूँ, पर बेटर ये है कि पीपल शुड से कि ये आदमी ईमानदार है या नहीं है। आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चले जाइए, दूसरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर चले जाइए, आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा कि बलदेव खोसा ने हमें परेशान किया, या बलदेव खोसा ने हमने तंग किया, या बलदेव खोसा ने हमसे कोई चीज़ डिमांड की। क्योंकि मैं ये कहता हूँ जब मुझे मेरा ईश्वर बहुत कुछ दे रहा है तो मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। खोसा साहब, चुनाव की क्या तैयारियाँ हैं आपकी तरफ से? एक बार फिर आपको पार्टी मौका दे रही है, तो कितना अपने आप को तैयार रखें इस बार कांग्रेस के खाते में ये सीट जाएगा? आप ये कह रहे हैं कि ये सीट कांग्रेस आपको दे रही है, मेरे को तो अभी तक पता नहीं है,
जो पार्टी हाई कमांड जिसको देगी हम उनकी सपोर्ट करेंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जब एनसीपी शिवसेना और कांग्रेस इकट्ठी है तो ये पार्टी डेफिनेटली विनिंग पार्टी है। और जब कोई अगर समझो कांग्रेस में मुझे पार्टी हुक्म करती है यहाँ से लड़ने के लिए, तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं सबसे पहले यहाँ जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर क्योंकि शिफ्टिंग एरिया बहुत, मोस्ट ऑफ द पीपल बॉम्बे की तरफ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ स्कूलों की बहुत ज़रूरत है। जब नए नए सोसाइटीज बनती हैं तो वहाँ पर लाइन तो पानी की सप्लाई लाइन तो पुरानी होती है, बिल्डिंगें वहाँ और बहुत आ जाती हैं, तो मैं जो पानी की सप्लाई की लाइन्स हैं उनको बहुत ऐड करने की कोशिश करूँगा। और जो भी काम आज इनकम्प्लीट है या करने चाहिए वो हम जरूर पूरे करेंगे। और एक हमारे यहाँ पर लोखंडवाला में लास्ट रोड बैक रोड के पास एक लेक है जो कि मीठे पानी की लेक है, मैं उसको बहुत डेवलप करना चाहूँगा। मैंने उसके ऊपर काम भी किया था 2012 में और मैं उसको काम शुरू भी करने वाला था, मैं अगर मौका मिला तो करूँगा। वर्सोवा बहुत ही पॉश एरिया है, झोपड़पट्टी के लिए आपका क्या प्लान है, कैसे यहाँ से झोपड़पट्टी कम हो, झोपड़ी के रहवासी हैं वो बिल्डिंग तक कैसे पहुँच पाए, इसके लिए क्या प्लान किया? हमारे काफ़ी प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर स्लम्स एरिया है जो SRA प्रोजेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त मेरा जो सबसे बड़ा स्लम एरिया है वो है सागर कुटीर, और वो वैसे भी समंदर के किनारे में बैठे हैं। मैं हमेशा डरता रहता हूँ, ईश्वर ना करे, खुदा ना करे, मेरा भगवान ऐसा ना करे कि वहाँ कोई प्रॉब्लम आए, हमेशा वो लोग खुश रहें और सही सलामत रहें। पर मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वो जो प्रोजेक्ट है उसको लेके SRA उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए और उनको झोंपड़ियों से निकाल के बिल्डिंगों में शिफ्ट किया जाए, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी वहाँ पर अगर मुझे ये मौका मिलता है तो। कोई भी रैली, कोई भी शुरुआत अक्सर बहराम बाग से ही होती है, तो आप अपने MLA बलदेव खोसा जी के लिए क्या प्लान है आपका, एक बार पुनः इनको विधायक बनाने के लिए क्या रणनीति है आपकी, और आपको क्या लगता है कि बलदेव खोसा जो है यहाँ के सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे? देखिए, जिस तरह से जो है पब्लिक के अंदर बलदेव जी की आज भी पॉपुलरिटी है, लोगों में लोकप्रियता है, उसका एक ही कारण है कि बलदेव जी ने जो है ना जीतने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि ये शिवसेना का आदमी है, ये BJP का, वो सबको अपना साथ लेके चले। कभी कभी हमने यहाँ तक किया है कि हमने पाइपलाइन बिछाई है पानी की और उसके अंदर पानी का कनेक्शन जो है BMC से जो है शिवसेना वालों को करने दिया है कि भाई हम दोनों मिलके करते हैं, लोगों का भला होना चाहिए। तो बलदेव जी की नीयत हमेशा ये रही है कि हमारे जो रहवासी है उनका काम होना चाहिए जी। उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हम आपस में पार्टी उसी समय तक रहती है जब तक जो है इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमारे सारे भाई बहन हैं, और बलदेव जी उसी नीति के तहत हमेशा काम करते हैं और कभी भी जो है ना उन्होंने किसी से नफरत नहीं की, सबको प्यार करते हैं। उनके अंदर यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है हमारे भाई हैं और सभी के लिए एक जैसा, हम कोई भी अगर एक नाली या गटर का उद्घाटन करते थे हम नहीं देखते कि इसमें कौन रहता है, हम ये देखते कि सब हमारे भाई बहन रहते हैं और सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हम इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है बलदेव जी उसी को फॉलो करके हमेशा काम करते हैं, अपने नेताओं में अटूट विश्वास है, जो उनको आर्डर होता है वो जो है ना पार्टी के हिसाब से करते हैं, कभी चापलूसी वाला काम नहीं है उनका। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरा कार्यकर्ता है तो इसको मैं ज़्यादा फेवर करूं और ये जो है दूसरी पार्टी है, नहीं, उस एरिए के लोगों का कैसे भला होगा। अगर उस पार्टी के नेता से ही बात करनी पड़ी बलदेव जी को, तो बलदेव जी बात करके एक बार कदम नगर के एक रोड का जो उद्घाटन था, यहाँ की नगर सेविका राजुल पटेल थी और वो फंड बलदेव जी के यहाँ से पास हुआ था, तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगे कि मैं जो है ना ये इससे मेरा नुकसान होगा, मेरे वोटर इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो बलदेव जी ने बोला बहन तुम मेरे साथ आओ और नारियल जो है ना आप फोड़ो और हम साथ में मिलके काम करते हैं। तो उसके साइड की जो गटर का काम था वो बलदेव जी ने उनको दे दिया और रोड का काम हम लोगों ने किया कि यहाँ के लोगों का भी काम हो जाएगा, पानी की निकासी का भी काम हो जाएगा, प्लस सड़क भी बन जाएगी और गटर का भी काम हो जाएगा तो रहवासियों को उसका भी फायदा मिलेगा। तो इस तरह की सोच रखने वाले, सबको साथ लेके चलने वाले, यादव नगर में जो है ना
उत्तर भारतीय समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे जो है ना पहाड़ी इलाका था, मिट्टी धस जाती थी, घर गिरने के जो है ना संभावनाएं रहती थी, वहाँ पे उन्होंने चारों तरफ से उसको कंक्रीट दीवार कराई और आज वहाँ पे कम से कम 250 से 300 झोपड़े जो है ना सुरक्षित हैं और 2-2 माले 3-3 माले के ऊपर जो है ना लेटरिन बाथरूम की सारी सुविधा दी। वहाँ पे हमारे यादव समाज के कुछ पहलवान लोग रहते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने नाम किया, तो बलदेव जी ने उस तालीम का निर्माण करवाया वहाँ पे, उसमें उन्होंने जो है पानी की सुविधा कराई, पानी नहीं था तो उसको पानी का कनेक्शन करवाया, वहाँ पे उनके लिए मिट्टी जो लाल मिट्टी होती है वो उपलब्ध कराई, चारों तरफ से दीवार बनाई। तो बलदेव जी खेल कूद के लिए जो एक गार्डन जो 17-18 इन्होंने इसी इलाके में बना दिया है, आज बहुत से इलाकों में हम देखते हैं कि बिल्डर लोग जो है ना पैसा खिला के MLA उसको और वो गार्डन की ज़मीन पे बिल्डिंगें बनाते हैं। तो बलदेव जी के अंदर वो चीज़ नहीं थी, वो पहले उनको मालूम पड़ता तो पहले इसका भूमि पूजन करके वहाँ पे जो है ना 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ का आज जो है ना गार्डन जो बना है वो हमारे बच्चे सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सीनियर सिटीजन बैठते हैं सुबह में। तो ये जो है ना खूबसूरती है कि अपने लोगों के बारे में अपने परिवार के जैसा सोचते हो, जैसा मेरे बच्चे हैं वैसे जो है ना हमारे इस इलाके के लोगों के बच्चों को जो है खेल कूद की हर व्यवस्था हो, और गली गली में जो है ना ड्रेनेज और WC इतने हमने बनाए हैं कि आप किसी गली में जाइए तो आज भी इनके नाम के जो है ना 10-20 जो है ना WC और ये मिलेंगे आपको, पैसेज का पूरा काम किया है। और जिस इलाके में SRA हो गया तो वहाँ तो सारे झोपड़े टूट चुके हैं तो शिफ्टिंग हो गया, मगर वहाँ के लोग भी आज याद करते हैं। अभी शक्तिनगर में हम लोगों ने जो पहलवान थे हमारे और सिटीजन के लिए वहाँ पे तालीम का निर्माण किया है, उसका फ़ायदा जो है ना वहाँ के लोगों को बरोबर मिल रहा है। वहाँ पे सीनियर सिटीजन बैठते हैं शाम को, वहाँ पे जो फेरी वाले रेडी वाले हैं वो अपना सामान रखते हैं, फिर जो पहलवान लोग हैं वहाँ गदा वगैरह भाँजते हैं जो है शक्तिनगर में। तो ऐसे बहुत से काम फ़कीरवाड़ी में किया है। आनंद नगर में जो है 2 मस्जिदों का और 1 मंदिर की ड्रेनेज हम लोगों ने जो है ना रोड के अंदर सीवर को अंदर जो है ना ज्वाइन करके उनको सारी फैसिलिटी दी, फिर उस रोड को पूरा बनाया, उसके दोनों तरफ गटर बनाई। तो जितना काम हुआ, जितनी वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंसंट्रेट था कि गटर जो है ना दिखती नहीं थी, पाइप लाइनें इतनी ज़्यादा थी, तो उसको हम लोग ना ब्लॉक बना के लोखन का उसको वो करके फिर कंक्रीट करके फिर हमने वो गटर खोल के फिर वहाँ से जो पक्की गटरें बना के लोगों को पानी निकलने का साधन, जो भी जितनी भी काम हुए BMC चाल में हुआ हर स्लम एरिया में किया है। एक और सवाल, 2019 के चुनाव में बलदेव घोषा साहब सेकंड पे रहे, जो भी रीजन रहा हो मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा को रीजन आप बता दें। दूसरी बार 24 में साहब को अगर टिकट मिल रहा है तो कितनी मजबूती आएगी कांग्रेस में? देखो जो लोग जो है ना हमारी पार्टी में रह के और हमारे पीठ के पीछे जिन्होंने गद्दारी किया, जो जिन लोगों ने हमारी हाई कमान को गालियां दी, ऐसे लोग आज कहाँ हैं? वो दूसरी पार्टियों में हैं, वो सिर्फ जो है हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आज हमारे लोग सब खुश हैं उनके उन लोगों को जाने की वजह से, जो भी लोग थे जिन्होंने हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाया है सब आप लोग जानते हैं, हम लोग उनका नाम भी लेना नहीं चाहते। इनको तो पहले ही जब बलदेव जी जो है को टिकट मिला, जब इन्होंने जो है ना हाई कमान के बारे में सबके बारे में जो बातें की, अगर इनको पहले ही निकाल दिया गया होता तो ये रिजल्ट नहीं आता, बलदेव जी जीतते थे। वो तो हमारे साथ रह के उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, कोई बात नहीं है, ईश्वर है और ईश्वर ने उनको उनके स्थान पे भेज दिया, और आने वाले इलेक्शन में हम लोग भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे। अगर MP में 22,000 की लीड थी, अगर बलदेव जी यहाँ से लड़ते तो हम 30,000 से 35,000 की लीड से जीतेंगे। हाँ जी, हमको मालूम है कि इनका विरोध करने वाला कोई नहीं है, जनता में तो नहीं है, इसके लिए यहाँ पे देख रहे हो कितने लोग जो बलदेव जी सीधे सज्जन आदमी हैं करके इतने लोग जो दूसरे एरिया से भी आके फॉर्म भर रहे हैं। तो उस पर रिस्क नहीं लग रहा है आपको? नहीं, कोई रिस्क, क्योंकि हाई कमान को सब पता है, बलदेव जी का की जीवनी जो है ना हाई कमान के पास पूरी है कि ये पार्टी के साथ हमारे साथ लॉयलिस्ट रहे। जब इनको टिकट भी नहीं मिला, 2-3 बार टिकट नहीं मिला, उस समय ये पार्टी के साथ खड़े रहे, कभी पार्टी छोड़ी नहीं इन्होंने, पार्टी के बुरे वक्त में हमेशा पार्टी के साथ रहे। जब जो है यहाँ से 2 बार वो MLA जीती है तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे उस समय जो है
बीजेपी का झूठ चल रहा था जोरों में, तो बलदेव जी उसको भांप नहीं पाए, नहीं तो बलदेव जी के सामने कोई बीजेपी का लड़ने वाला नहीं था। ये झूठ जीता यहाँ से, लोग भ्रम में जीते और इसके लिए जो है ना नुकसान हुआ इस एरिए का। आज इस एरिए का कोई विकास नहीं है, जहाँ बलदेव जी ने छोड़ा था वहीं पे ही ठप है सारे काम। छोटे कामों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े जो काम हैं वो वहीं पे ठप है। अच्छा बलदेव सर, चलते चलते वर्सोवा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं वर्सोवा के भाइयों और बहनों से अपील करूँगा कि अपने एरिया को साफ रखें, मिलजुल के रहें, प्यार से रहें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे से प्यार करें, जब किसी को कोई ज़रूरत हो उसको पूरी ज़रूरत को पूरा करें। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे आने वाले इलेक्शन में ऐसा इंसान चुने जो को ऑनेस्ट इंसान हो, जो ग्रुपिज्म में बिलीव नहीं करता हो, जो सबको लेके चलने वाला इंसान हो, जो सबको मोहब्बत करने वाला इंसान हो, और जो लोगों को जोड़ने वाला हो, कि लोगों को लड़ाने वाला ना हो, ऐसा इंसान ईमानदार ऑनेस्ट आदमी हमें यहाँ पर नेक्स्ट इलेक्शन में चाहिए। शुभ रात्रि।